पीयू हॉस्टल्स मुलाजमीन का तलबा के रवैये के खिलाफ ईसी ऑफिस के बाहर एहतजाज। इस्लामी जमीयत के तलबा ने दो रोज़ कबल हॉस्टल मुलाजमीन पर तशद्दुद किया था। क्या मामला पेश आया था, क्यों एहतजाज किया जा रहा है, इमरान यूनस से जान लेते हैं। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल मुलाजमीन आज सरापा एहतजाज हैं और वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर भरपूर एहतजाज जो है वो हॉस्टल मुलाजमीन की जानिब से किया जा रहा है। और जो मुलाजमीन हैं उन्होंने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं जिन पर तलबा तंजीम की गुंडागर्दी के हवाले से नारे जो हैं वो दर्ज हैं। और ये मुलाजमीन जो है इनका ये कहना है कि मुबैना तौर पर इस्लामी जमीयत तलबा के जो कारकुन हैं उन्होंने जो हॉस्टल मुलाजमीन हैं उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और दो रोज़ कबल जो है वो शदीद ज़ख्मी भी हुए और FIR का इंदराज हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद जो मुतलका जो कारकुन है इस वाक़े में मुलविस थे उनको अभी तक जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया। इस हवाले से इनका भरपूर एहतजाज जो है वो जारी है। मुलाजमीन जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानेंगे। जी बताएगा आपका वाक़या क्या था और क्या कहना चाहते हैं आप आज के इस एहतजाज के हवाले से। जी ये हफ्ते वाले दिन हमारे एक बॉयज़ हॉस्टल नंबर 14 वहाँ पर एक तलबा तंजीम के अनासर आए, लोग आए और उन्होंने मेस वर्कर को उठा लिया कुछ बुनियाद पर के, और जब कमरे में लेकर गए, कमरा नंबर 54 था उनका, वहाँ पर लेकर गए तो उसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस तरह निशाना बनाया कि वो तकरीबन उसकी जो कान है वहाँ पर उसके स्टिचेस लगे, ज़ख्मी हो गया और उसको अस्पताल भी वो खुद ही लेकर गए और फिर वापस छोड़ गए, जिसकी अभी तक भी हालत जो है वो बहुत शदीद है। और इसके दौरान जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन पर भी हमला किया गया है, सिक्योरिटी गार्ड भी अभी अपने बिस्तरों पर हैं, वो शदीद ज़ख्मी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल ऐसे कई वाकयात जो हैं वो तलबा तंजीमों की जानिब से यहाँ पर रुनमा जो है वो होते रहते हैं, कभी वाइस चांसलर ऑफिस जो है या इमरान यूनस बहुत का।